हम एक्सरसाइज 6.2 पे हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थर्ड पे हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, इफ़ एल एम इज 6.18 है, पहले तो एक्सरसाइज ये फिगर है। एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लगेगी पैरेलल होते ही ए एल डिवाइडेड बाई एल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम डिवाइडेड बाई एम बी। ऐसे ही एल एन किसके पैरेलल है, एल एन पैरेलल है सी डी के, तो क्या हो जाएगा, ए एन उसी तरह से ए एल डिवाइडेड बाई एल सी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई एन डी। तो कॉमन है उसको छोड़ देना, इन सब क्वेश्चंस का एक ही तरीका है, जो कॉमन है उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसका प्रूफ हम कैसे देंगे, टू प्रूफ ये तो लिख लेना, गिवन क्या है, गिवन और ये अलग अलग लिखने हैं। गिवन क्या क्या है बेटा, एल एम किसके पैरेलल है सी बी, और एल एन ये किसके पैरेलल है सी डी, टू प्रूफ। अलग अलग कलर से लिखने हैं ये तुमने, गिवन अलग टू प्रूफ अलग। टू प्रूफ क्या है, इसने दे रखे है ए एम डिवाइडेड बाई ए बी, और ए एन डिवाइडेड बाई, इन पर पेन घुमा दिया, ए एम डिवाइडेड बाई ए बी, ऐसे ही ए एन डिवाइडेड बाई ए डी। प्रूफ, पहले हम लेंगे एल एम इज पैरेलल टू सी बी, तो बाई यूज ऑफ थेल्स थ्योरम, जो प्रूव करना है वो लेके चल पड़ो, ए एम बाई ए बी जैसे जैसे यहां चलेंगे वैसे वैसा ए एम और डिवाइडेड बाई ए बी, तो इधर क्या आएगा निखिल बताएगा, ए एल डिवाइडेड बाई गलत। देखो इस ट्राइंगल को ले रहे हैं हम, एल एम किसके परपेंडिकुलर है सी बी के, तो जैसा यहाँ रेशो लेंगे ए एम डिवाइडेड बाई ए बी, तो क्या डिवाइड करेंगे, ए एल डिवाइडेड बाई ए सी। ऐसे ही एल एन किसके पैरेलल है सी डी के, तो अब की बार क्या होगा, ए एल डिवाइडेड बाई ए सी, किसके बराबर होगा, पार्स बताएगा ए एल डिवाइडेड बाई ए सी है, तो इस ट्राइंगल में ए डी, जैसा जैसा यहाँ चल रहे हैं वैसा वैसा यहाँ चलना है। तो एक और दो में जो कॉमन है उसको छोड़ दें, ये कॉमन है, तो लिखना क्या है, फ्रॉम वन एंड टू, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन, यही तो प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। ओके, चौथा क्वेश्चन, ओके सर। डी ई पैरेलल ए सी,
ये फिगर है डी ई पैरेलल ए सी, और बेटा डी एफ पैरेलल ए ई। तो प्रूव क्या करना है, डी एफ बाई एफ ई डी ई बाई ई सी। तो पहले गिवन लिखेंगे, अलग अलग कलरफुल होनी चाहिए। कलरफुल थ्योरम कई बच्चों ने नहीं भेजी है, कईयों ने लिखी है, लेकिन कुछ अन रह रही है अभी। गिवन डी ई, अलग अलग नंबर होते हैं इनके, और क्या है बेटा डी एफ टू प्रूव, टू प्रूव क्या है आकाश, बी एफ इन पर पेन घुमा लो, बी एफ बी एफ ये रहा बी एफ बाई पी ई, पी कहाँ है बी ई होना चाहिए एफ ई, सॉरी बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई, ठीक है, इज इक्वल टू बी ई और डिवाइडेड बाई ई सी। तो हम बी एफ और एफ ई किस ट्राइंगल में पड़ता है, बी एफ और एफ ई बताओ, बी ई डी में, बी ई ए में ले लो, बी ई ए में क्या किसके पैरेलल है, डी डी एफ किसके पैरेलल है ए ई के, डी एफ किसके पैरेलल है ए ई के, तो बाई थेल्स थ्योरम बी एफ अपॉन एफ ई अर्श बताएगा किसके बराबर है, इस ट्राइंगल में जैसा यहां चले हैं वैसा ही इधर चलना है, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई किसके बराबर है, वैदिक बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई थेल थ्योरम कहता है जैसा पैरेलल होने के बाद जैसा यहां चले हैं वैसा ही यहां चलना है, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई बी डी बाई डी ए बी डी बाई डी ए डी ए बेटा समझ रहे हो, अब कौन सी ट्राइंगल लेंगे बड़े वाली, इन ट्राइंगल बी सी ए क्या पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू ए सी, तो बी डी डिवाइडेड बाई डी ए किसके बराबर होगा, निखिल बताएगा ऐसा ही इस भुजा पे चलना है पूरी, एफ ने भूल जाना, बी डी डिवाइडेड बाई डी ए और ये पैरेलल है डिवाइडेड बाई ई सी, तो अगेन किसको छोड़ना है बेटा, हर एक क्वेश्चन में यही करना है, कॉमन को छोड़ दो, तो फ्रॉम वन एंड टू
क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई बी ई अपॉन ई सी हेंस रूट। समझ आ गया होगा, ठीक है। यस सर। ये और भी बताएं बेटा, सब समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अब देखो डी ई किसके पैरेलल दे रखे है, पी ओ के ओ के डी ई और डी एफ किसके पैरेलल है बेटा, ओ आर। ये तो गिवन है, टू प्रूव हमने प्रूव करना बेटा ई एफ किसके पैरेलल है क्यू आर के। ई एफ किसके पैरेलल है, क्यू आर। ई एफ पैरेलल हमने क्या दिखाना है, क्यू आर। जब आएगा ना, जब पी ई बटे में ई क्यू किसके बराबर आ जाए, पी एफ बटे में एफ आर, तो प्रूफ उसी तरह से जो दे रखे है उससे स्टार्ट करते हैं हमेशा इन क्वेश्चंस में। डी ई इन ट्राइंगल पी क्यू ओ में क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ ई डी किसके पैरेलल है, सर क्या हुआ यू ओ के। तो बाई थेल्स थ्योरम क्या आया, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, पी किसके बराबर आएगा, पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ। अगेन और क्या पैरेलल, डी एफ किसके पैरेलल है, तो अगेन पी डी बाई थेल थ्योरम पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ किसके बराबर है, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ। तो उसी तरह से किसको छोड़ना है, कॉमन को फ्रॉम वन एंड टू पी ई बाई क्यू किसके बराबर आ जाएगा, पी एफ पी ई बाई ई क्यू किसके बराबर आया, पी एफ बाई एफ आर। तो बाई इसको बोलते हैं बाई कन्वर्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स क्या कहता है, ई एफ किसकी पैरेलल आ जाएगा क्यू आर के। देखो कन्वर्स क्या कहता है, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, फिर लाइन
is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in the same ratio. तो कन्वर्स उल्टा क्या हो जाएगा, इफ ए लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट विल पैरेलल टू द थर्ड साइड. ठीक है, तो ये सेम रेशियो में बट गए. तो ये जो लाइन बांट रही थी, जो सेम रेशियो में बांट रही थी, ये किसके पैरेलल होगी, थर्ड के. क्या हुआ, छठा, ए बी सी आर द पॉइंट्स, ए बी सी हैं, पी ओ पे है ए, ओ के ऊ पे बी है, इस पे सी है रेस्पेक्टिवली. ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू. तो ट्राइंगल कौन सी हो जाएगी, ओ पी क्यू. ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के. तो ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी किसके बराबर होगा, ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू. तो ऐसे ही ए सी पैरेलल किसके है, पी आर के. तो ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी किसके बराबर होगा, ओ सी बाई ओ आर. तो कॉमन को छोड़ देंगे, ओ ए बाई ओ पी को छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी बराबर ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर के. तो कन्वर्स थ्योरम से बी सी किसके पैरेलल हो जाएगी फिर, क्या हुआ, यही हमने प्रूव करना है. तो गिवन लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू, टू प्रूव क्या है, ये रहा, शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर. प्रूफ, जो पैरेलल दे रखे है, ए बी किसके पैरेलल दे रखे है, पी क्यू के, इसी को चलें. किस ट्राइंगल में है, ओ पी क्यू में. देन बाई थेल्स थ्योरम क्या आएगा बेटा, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ ए किसे डिवाइड करें, और से बताना एक बार, ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई बी. ऐसे ही आल्सो, यहां लिख लें, आल्सो और क्या दे रखे है बेटा, ए सी पैरेलल टू, गिवन से स्टार्ट करते हैं, ए सी पैरेलल टू किसके है, पी आर के. तो इन ट्राइंगल ओ पी आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर. तो अगेन बाई थेल्स थ्योरम, ओ ए बाई ए पी वैदिक बताएगा किसके बराबर होगा, ओ ए डिवाइडेड बाई ए ए पी किसके बराबर होगा, ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर. गुड, तो ये दो कॉमन कौन सा है, ओ ए बाई ए पी. तो क्या आ गया, यहां लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू, ओ बी बाई बी क्यू, ओ सी बाई, देखो यहां कॉमन को छोड़ दिया,
तो ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई, तो बाय कन्वर्स क्या आ जाएगा? यहाँ आया ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, तो बी सी इज पैरेलल टू क्यू हुआ। तो इनको कलर फुल करके भेज देना बेटा, कटने वाला है ये फोन, और इस पेज को मैं भेज रहा हूँ, तो यहाँ तक का कर लेना, ठीक है? और कल मैं थेल थ्योरम फिर सुनूंगा, वीडियो ऑन करवा के भी सुन सकता हूँ ताकि देख रहा है कि नहीं देख रहा है, और लिख के दिखाएंगे दोबारा इसको। थ्योरम प्लस में 4 क्वेश्चन ये, ठीक है? थैंक यू बेटा।